11 महीने पहले एक ग्रहण लगा था, उस ग्रहण को हनुमान जी की कृपा से वो ग्रहण समाप्त हो गया और मैं हनुमान जी को अपना आराध्य मानता हूँ और मेरी जिंदगी की शुरुआत भी यहीं से हुई है। जिस स्थान पर हम खड़े हैं, इसके महंत ज्ञानदास जी जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने अपना खून देकर के हमें जीवन दान भी दिया है। राजनीतिक यात्रा में भी हनुमानगढ़ी सहित पूरे अयोध्या का हमारे लिए सहयोग रहा है। मान अपमान सह करके भी अयोध्या के संतों ने हमारे लिए खड़ा होने का काम किया है और इसलिए मैं आज दर्शन करने के लिए आया हूं। जहां तक अगला प्रश्न आपका होगा चुनाव के संबंध में, तो हम भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं और खेल मंत्रालय को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने निष्पक्ष ढंग से वोट कराया। कुल 50 मतदाता थे, उसमें से एक मतदाता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए जिस कारण उनका आना नहीं हो पाया। 2 मतदाता विदेश में थे, वो हमारे थे, मध्य प्रदेश का मत भी हमारा ही था, लेकिन 47 मत पड़े। 47 मत में से 40 मत आपके इस शिष्य के प्रतिष्ठा के लिए पड़े। मैं पूरे देश के उन मतदाताओं का धन्यवाद देता हूँ। ये ना किसी की हार है, ना किसी की जीत है, ये एक प्रक्रिया है, हर 4 साल पर होती रहती है। और देश के पहलवान जो जूनियर पहलवान है, ये उनके भविष्य की जीत है। और मैं किसी को हारा हुआ नहीं मानता, मैं किसी को जीता हुआ नहीं मानता। ये 4 साल पर एक सामान्य प्रक्रिया होती है जिसके बाद ये चुनाव होता है। हाँ, जिसको हमने समर्थन किया था, बनारस के रहने वाले हैं, भुईहार बिरादरी के हैं और मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से हैं, कुश्ती से 200 वर्ष से जुड़े हैं, इनका परिवार भी कुश्ती करता था। आपने अपना क्या नाम था बड़े पहलवान का? मंगला राय, जो देश के बड़े पहलवान होते थे, सुखदेव राय, एक जमाना था, ये उन्हीं के परिवार से संबंधित है, कुश्ती से ये परिवार जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूँ, ये किसी की जीत नहीं है, किसी की हार नहीं है, ये कुश्ती के भविष्य की जीत है। मैं किसी के व्यक्तिगत ऊपर बोलने के लिए नहीं आया हूँ, मैं और ना किसी के दया पर जीता हूँ। ये मतदाताओं ने जिताया है और देश के पहलवानों ने जिताया है और मैं हरियाणा के पहलवानों को जिंदाबाद करता हूँ। हनुमानगढ़ी अयोध्या से मैं महाराष्ट्र के पहलवानों को जिंदाबाद करता हूँ हनुमानगढ़ी के यहाँ से, और देश के पहलवानों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि जात के आधार पर, मजहब के आधार पर, प्रांत के आधार पर न हमने कभी भेदभाव किया है, न आने वाली फेडरेशन करेगी। कुश्ती को जो ग्रहण लगा था, उस काम को ये लोग जल्द से जल्द आगे बढ़ाएंगे। बोलो भारत माता की जय और हनुमान जी की जय। नेताजी, एक आखिरी सवाल है, आपके आने के पहले जो है आपकी लगी जितनी होर्डिंग अयोध्या में थी सब उतार दी गई, ऐसा क्यों? नई फेडरेशन अच्छा कार्य करे और हमारे रुके हुए नेशनल 28, 29, 30 को होने जा रहे हैं जिससे इसी कैलेंडर ईयर में।